Swayam Prabha, Digital India, Educated India. विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे कार्यकारी विकास का जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे इन विषयों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस व्याख्यान को पढ़ने से क्या उद्देश्य आपके पूरे होंगे उसके साथ ही हम बात करेंगे इसके परिचय के बारे में ये होता क्या है कार्यकारी विकास को प्रभावित करने वाला महत्व और कारक इसकी इम्पॉर्टेंस और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं इसका प्रक्रिया क्या है किस प्रोसेस के थ्रू हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कराते हैं इसके साथ ही हम बात करेंगे मैथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के कार्यकारी विकास के तरीके क्या हैं जैसे हमने ट्रेनिंग के डिस्कस करे थे इसी प्रकार हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के तरीक़ों के बारे में बात करेंगे उसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर करियर योजना और विकास क्योंकि जब हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि हम ये भी जाने कि करियर डेवलपमेंट क्या है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और उसका क्या प्रोसेस है इसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद क्या क्या उद्देश्य आपके पूरे होंगे आफ्टर कंप्लीशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी मैथड ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट आप जान पाएंगे कार्यकारी विकास के तरीके क्या हैं आपको समझ में आएगा बिगिन करियर नियोजन प्रक्रियाओं को इंगित कैसे किया जाता है कैसे आप करियर प्लानिंग प्रोसेस टेकअप कर सकते हैं इन प्रक्रियाओं के विभिन्न पेशेवरों और विपक्षों के बारे में आप जान पाएंगे आप जान पाएंगे कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं इन प्रोसेसेस के इसके अलावा आप लर्न करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे सिग्निफिकेंस करियर प्लानिंग टू सोसाइटी कैसे आप सामाजिक समाज को भी फ़ायदा दे सकते हैं अपने करियर प्लानिंग करने के साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञात होगा चलिए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की इसका इंट्रोडक्शन क्या है शुरुआत करते हैं यह महसूस किया गया है कि एक प्रभावी प्रबंधक टीम किसी संगठन के अस्तित्व के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी बैलेंस शीट पर कोई और ठोस व्यक्ति व्यस्तु इसका मतलब ये है कि जब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं किसी संगठन के बारे में बात करते हैं तो आमूमन तौर पे हम किसी भी संगठन का जो सक्सेस है वो नापते हैं उसकी बैलेंस शीट से बैलेंस शीट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कंपनी के प्रोग्रेस के कंपनी के सक्सेस के बारे में आपको बताता है और हम बैलेंस शीट में ज़्यादातर उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो टेंजेबल हैं लेकिन अगर हम इसके साथ ही देखें तो हमारे कर्मचारी जो हैं हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं उनका जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को समझने के लिए या जानने के लिए इसलिए हम कहते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट टीम में बी एज इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज एनी टेंजिबल आइटम ऑन दी बैलेंस शीट तो किसी भी संगठन को किसी भी संस्थान को आगे ले जाने में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसका एक मैनेजमेंट टीम उसके कर्मचारी जो मिल काम करते हैं और वो कितने ज़्यादा सक्षम हैं उस पर ये निर्भर करता है आगे हम जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको एक ही आ, दो दो नाम से इसको जाना जाता है इसको चाहे आप एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं या आप इसको प्रबंधन विकास के नाम से भी जानते हैं ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लर्निंग और ग्रोथ के बारे में जानते हैं जिससे आपकी नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड इसमें बढ़ोतरी होती है एंड इनसाइड टू मैनेज दी वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशेंटली किसी भी कर्मचारी को जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसके स्किल्स उसकी नॉलेज और उसकी एबिलिटी में बढ़ोतरी की बात करते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सके अपने कार्य को करने में यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर भी बताना चाहूँगी जिससे ट्रेनिंग जो हमने अपने पिछले व्याख्यान में बात की थी उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारा ट्रेनिंग का पर्पज़ है कि नॉलेज स्किल्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपडेशन अब, करने की बात होती है लेकिन ट्रेनिंग में हम ज़्यादातर ध्यान रखते हैं कि जो प्रेजेंट जॉब है जिस पे वो कार्य कर रहे हैं उस पे हम उनको लायक बनाते हैं वेयर एज़ जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो ट्रेनिंग से थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हम इसमें ना केवल उन्हें उनकी प्रेजेंट जॉब के लिए तैयार करते हैं बल्कि आने वाले फ्यूचर जॉब्स के लिए भी हम उन्हें प्रपेयर कर रहे हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं जहाँ पर वो अपनी क्षमताओं को इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं ताकि वो आने वाले जो जॉब्स हैं जिसमें उनको प्रमोट किया जा सके जिनको आगे ले जाया जा सके उनके करियर में डेवलपमेंट हो सके उसकी बात यहाँ पर हो रही है आगे हम बात करें दी प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इसका उचित क्या है ये क्या गोल इसके हैं क्या एम्स हैं जो ये अचीव करना चाहते हैं प्रबंधकों को पूरी क्षमता का दहन करके उनके पूरे करियर में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखना ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव और मेन एम ये है कि ये सस्टेन करें गुड परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर जो पर्सन है मैनेजर हैं एग्जीक्यूटिव हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके ताकि वो अपने करियर में अपने पूरी क्षमताओं के साथ कार्य को कर सकें दूसरा इसका एम ये है व्यवसायिक समस्याओं के हल करने के लिए आर्थिक तकनीकी और संस्थानगत ताकतों को समझें वो समझें कि हमारी इकोनॉमिक टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस क्या हैं और कैसे हम उनके द्वारा अपनी का अपने संगठन की समस्याओं का सुधार कर सकते हैं मानव संसाधन की समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना इसका ऑब्जेक्टिव है टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो कर्मचारी हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट में उनके विकास में क्या क्या समस्याएं आती हैं क्या क्या रुकावटें आती हैं उनके बारे में जानना और उनको दूर करना इसके साथ ही इसका एम है टू थिंक थ्रू प्रॉब्लम्स दिस में कन्फर्न दी ऑर्गेनाइजेशन नाउ और इन दी फ्यूचर जैसा कि मैंने कहा ये ना केवल अभी के लिए तैयार करता है बल्कि आने वाली कार्यक्रमों के लिए आने वाले जो कार्य हैं वो करने कर, करने लायक हम उन्हें बनाते हैं तो ये अपने प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना उनको करना पड़ सकता है उसके लिए उन्हें तैयार करता है टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल लीडर्स इसका उद्देश्य है कि ये जिम्मेदार अपने जो नेता हैं उनका विकास करें ताकि वो जाने उनकी क्या रोल्स हैं उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और उनका उत्तरदायित्व वो अच्छे से निभाएं। मानवीय प्रेरणा और मानवीय रिश्तों का ज्ञान पैदा करना ये कोशिश करता है कि इनकलकेट करें नॉलेज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे किसी इंसान को कैसे कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है और आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार बनाया जाता है कार्य अध्ययन इनोवेटिव निर्णय संचालन अनुसंधान और गुणवत्ता नि, नियंत्रण जैसे प्रबंधन तकनीकों में दृष्टा बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है टू इंक्रीज दी प्रोफिशियंसी इन मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज़ वर्क स्टडी इन्वेंट्री कंट्रोल ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वालिटी कंट्रोल इसका उद्देश्य है कि किस तरीके से अपने संगठन में ये लोगों की समस्याओं के साथ साथ वर्क को स्टडी करें इन्वेंट्री का कंट्रोल करें जो बहुत सारा स्टॉक है वो ज्यादा ना हो ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग जैसी समस्याओं से बाहर आ सके ऑपरेशन रिसर्च कर सकें और क्वालिटी कंट्रोल पर भी ये ध्यान दे सके आइए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के डेफिनेशंस की इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है जैसे कि जॉनसन एंड स्कॉर्चर लिखते हैं प्रबंधन विकास प्रबंधकीय स्वर्ग के ज्ञान आधार दृष्टिकोण बुनियादी कौशल पारस्परिक कौशल और तकनीकी कौशल को व्यस्त तरीके से विकसित कराने पर केंद्रित है इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वो फोकस करता है एक सिस्टमैटिक मैनर पे कैसे हम नॉलेज बेस को बढ़ाएं लोगों के स्किल्स एटीट्यूड उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी टेक्निकल स्किल्स को हम कैसे धीरे धीरे करके बढ़ाएं उस पर यह ध्यान करता है उस पर यह बात करता है इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन है जिसमें फ्लिपो ने कहा है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स दी प्रोसेस बाय विच मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव इक एक्वायर्स नॉट ओनली दी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इन द प्रेजेंट जॉब बट ऑल्सो दी केपेबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर मैनेजीरियल टास्क ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी एंड स्कोप ये बहुत हद तक ध्यान देने वाली बात है जिसमें हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में बोल रहे हैं ना केवल उनके आज का जो स्किल्स हैं वो हम उन्हें बढ़ाएं बट आने वाली जो रिक्वायरमेंट हैं जो डिफ़िकल्टीज हैं जिस हिसाब से हम आगे जा रहे हैं उन समस्याओं में उनको सक्षम बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का नाम देते हैं कार्यकारी विकास के लक्षण अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्यकारी विकास सीखने की एक योजनाबद्ध और संगठित प्रक्रिया है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्लैंड और ऑर्गेनाइज वे से लर्निंग करते हैं ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी उठा लिया और उस पर हमने चर्चा की और बात कर ली ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें पूरी तरीके से प्लान किया जाता है कि कैसे चीज़ों को आगे सीखना है और आगे बढ़ाना है ये सतत और कभी ना ख़त्म होने वाला अभ्यास है जैसा कि हम जानते हैं कि लर्निंग वैसे भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कभी ना ख़त्म होने वाली क्रिया जिसको हम हमेशा सीखते रहते हैं उसी तरह से ये जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है ये ऑनगोइंग और नेवर एंडिंग एक्सरसाइज है इसको हर समय हमें सीख हर समय लागू करना होता है क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं दिन प्रतिदिन बदलाव रहते हैं तो हमें अपने आप को हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रखना है तो ऐसा नहीं कह सकते कि आज हमने सीख लिया तो हमारा काम पूरा हो गया हमें आज भी सीखना है आने वाले समय में सीखना है और सीखते ही रहना है इसके अलावा कार्यकारी विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंध की कौशल रातों रात विकास नहीं किया जा सकता इस पर भी आप ये जो प्रोसेस है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जैसे हमने कहा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑनगोइंग प्रोसेस है और किसी भी चीज़ का विकास रातों रात नहीं हो सकता उसके विकास के लिए हमें बहुत दिनों तक बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है इसीलिए एक लॉन्ग टर्म ऑन प्रोसेस है जो कुछ समय बाद अपना रिज़ल्ट दिखाता है और हम महसूस करते हैं कि हाँ ये विकास हो रहा है इसका उद्देश्य प्रबंधकों को, को प्रबंधों के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है कैसे वो मैनेजर्स को मैनेजर्स के लिए प्रिपेयर करें टू बिल्ड्स बेटर मैनेजर्स फॉर दी मैनेजर्स ई डी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को विकसित करने के लिए क्या कदम हम उठाते हैं क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम अपने संगठन में एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो इस तरीके की प्रक्रियाओं को इस तरीके कार्यक्रम को अटेंड करें तो उसको बिल्ड करने के उसको सेटअप करने के क्या स्टेप्स हैं उनको हम देखते हैं सबसे पहला है इसमें प्रॉब्लम असेसमेंट जिसको हम समस्या का आकलन कहते हैं किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है किस चीज़ को आप सॉल्व करने की बात कर रहे हैं संबंधित कर्मचारियों और सी के साथ विशेषज्ञ कंपनी की वर्तमान समस्या और मालिक की भविष्य योजनाओं के आलंकन के साथ शुरुआत करेंगे इसमें हमें यह समझना होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सीईओ हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके क्या विज़न है उसको वो किस तरीके से अपने संगठन को आगे ले जाना चाहते हैं और अभी हमारी वर्तमान की समस्याएं क्या हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें रुकावटें पैदा कर रही हैं या क्या चीज़ें हमें ऐसी हैं जो हमारे जो सी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको पूरा करने में मदद कर सकती हैं तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये ध्यान करते हैं कंसर्ट एम्प्लॉय से सी के साथ असेसमेंट करते हैं ताकि वो करेंट प्रॉब्लम्स को जान सकें और उससे साथ प्लानिंग कर सकें अपने फ्यूचर की दूसरा इसमें जो स्टेप आता है वो मैनेजी मैनेजमेंट ऑडिट एंड अप्रेजल का आता है जिसको हम प्रबंधन लेखा परीक्षक और मूल्यांकन कहते हैं यह जांचने के लिए नियमित फीडबैक संद्र होंगे कि क्या हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हम पहुँचना चाहिए तो आपको यहाँ पर अपने जो एग्जीक्यूटिव असेसमेंट किया है प्लानिंग जो आपने जो नीड एनालाइज करी है प्रॉब्लम का असेसमेंट किया है उसके बाद आपको उसकी ऑडिट और अप्रेजल भी करना होगा ये देखने के लिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं नहीं आपका जो उद्देश्य था आपका जो ऑब्जेक्टिव था आप पूर्णतः उसको प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आपको नियमित तौर पे फीडबैक लेना पड़ता है तीसरा इसमें होता है एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट नीड विकास आवश्यकताओं का विश्लेषण करना यहाँ जो समस्या उजागर हुई है उसे एक विकास कार्यक्रम के माध्यम से माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट नीड्स हैं द प्रॉब्लम्स विच शेल बी अनकवर्ड शैल बी ट्राई टू एंड रेमेडिड वायर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डेवलपमेंट प्लान के थ्रू प्रोग्राम के थ्रू ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार हम बात करते हैं आइडेंटिफाई रिप्लेसमेंट नीड्स की जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हुआ है अनकवर्ड अ नीड ऑफ रिक्रूट एंड सिलेक्ट न्यू मैनेजमेंट टैलेंट द फॉर्मेट ऑफ ई डी पी विल वेरी विद कंपनी साइज़ एंड नेचर ऑफ ऑपरेशन सो एज टू प्रोवाइड ऑप्टिमम रिजल्ट हमारी कंपनी को हम मैक्सिमम फ़ायदा तभी दे सकते हैं जब हमें मालूम है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है किस प्रकार की हमारे को रिक्वायरमेंट है तो हम उसी हिसाब से अपनी जो नीड्स हैं उनको हम अनकवर करेंगे और अपने नए मैनेजमेंट टैलेंट्स को सिलेक्ट करेंगे बात करते हैं महत्व की एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का महत्व क्या है ये क्या इम्पॉर्टेंस रखता है किसी भी संगठन में पेशेवर प्रबंधकों की प्रशिक्षित और विकसित कराने के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने संस्थान में ट्रेंड और प्रोफेशनल मैनेजर्स को डेवलप करें तो उसके लिए हमें एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट करना ही होगा अगर हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे यहाँ पे ट्रेंड और प्रोफेशनल मैनेजर्स हम नहीं विकसित करवा पाएंगे और अगर इस तरीके से मैनेजर्स हमारे ट्रेंड और प्रोफेशनल नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि हम संगठन के उद्देश्यों को पूरा कर सकें या सही डायरेक्शन में अपने अंडर कर रहे काम कर रहे लोगों को गाइड कर सकें यह प्रबंधनों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कौशल विकसित कराने में मदद करता है ये उनको तैयार करता है कि कैसे वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में जो हमारा कॉम्पिटिशन है जिसमें हमें सर्वाइव करना है कैसे वो अपने आप को तैयार करें उस तरह की क्षमताओं को आ, डेवलप करें ताकि उसके आप उसको सामना कर सकें यह प्रबंधनों के पौधागिक प्रौद्योगिक और संस्थान से संबंधित समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनाता है इट इनेबल्स मैनेजर टू फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन जो भी हमारे संस्थान के जो मैनेजर्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई उनको तकनीकी समस्याएं आ रही हैं तो उसको पूरा करने में भी ये उनको मदद करता है इसके आगे हम बात करते हैं इट डेवलप्स मेंटेनिंग द बेटर रिलेशनशिप विद दी लेबर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ना केवल उनके कौशल को ना केवल उनकी क्षमताओं बस उनके व्यवहार को भी बेहतर बनाता है जिससे वो एक सही रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें लोगों के साथ लेबर के साथ और उनकी समस्याओं को समझ के उनके साथ बेहतर काम कर सकें एग्जीक्यूटिव नीड्स ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट टू चेंज इन दी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जैसा कि हमारे बदलाव आ रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं उन सारे बदलाव में अपने आप को एडजस्ट कराने के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का होना होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी बदलाव हैं उनसे ये हमें अपने आप को तैयार कराने में मदद कर रहा है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बॉर्डन the आउटलुक ऑफ मैनेजर कैसे हम मैनेजर की जो आउटलुक है उसको हम बढ़ाएं उसके विकास को हम कैसे और ज्यादा दृष्टिकोण को और ज्यादा कैसे बढ़ाएं विकसित करें उसके लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की जरूरी क्योंकि वो एक नैरो अप्रोच के साथ अगर चलेंगे तो कभी भी हमें वो आगे तक नहीं ले जा पाएंगे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी सोच में बदलाव आए वो अपने पर्सपेक्टिव में अपनी अपनी चीज़ों में बढ़ोतरी करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें चलिए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोसेस की इसको समझिए ध्यान से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जो प्रोसेस है इसको हमने तीन भाग में बांटा हुआ है सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज वन की स्टेज वन में अगर आप देखें तो हमारे तीन स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं इसमें हम बात करेंगे कॉम्पिटेटिव एन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज़ की ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जैसा कि हमने कहा कि एन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है प्रतिदिन बदलाव हो रहे हैं कैसे हमें अपने आप को तैयार रखना है तैयार बनाना है इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए तो कॉम्पिटेटिव एन्वायरमेंट को आप स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी नियत नीतियाँ बनाते हैं अपने संस्थान के उद्देश्य बनाते हैं कि जिसे हमें पूरा करना है और हम क्या पाना चाहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है हमारा गोल क्या है उसको हमने यहाँ पर स्टेज वन में बांटा है दूसरा आता है हमारा स्टेज टू जिसमें अगेन हम तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसी गैप एंड करियर प्लानिंग तो जब हमने ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल बना लिया कि हम किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं और हमारी प्रेजेंट स्थिति क्या है हम अपने कॉम्पिटेंसीज गैप को अंडरस्टैंड uh, करने की कोशिश करते हैं और उसको कॉम्पिटेंसी मैपिंग और करियर प्लानिंग के थ्रू उसको फिल करते हैं और फिर आता है हमारा स्टेज थ्री जिसमें हमने कहा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जब हमने ये देख लिया कि हमारी ये उद्देश्य हैं और अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ पर ये कमियाँ हैं या ये चीज़ें जो हमें फुलफिल करनी है करियर डेवलपमेंट के थ्रू करियर प्लानिंग के थ्रू उस नीड को हम असेस करते हैं एनुअल ट्रेनिंग प्लान्स बनाते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से प्रोग्राम्स को लॉन्च करना है कब कब करना है किन किन विषय पे लोगों को आगे जानकारियाँ देनी है जिससे उनका विकास हो सके उसके बाद हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं और रिव्यू करते हैं अपनी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को जो भी प्लान हमने बनाए हैं उसके हिसाब से फिर हम उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे उनको कंडक्ट करेंगे और उसके बाद हम उनको रिव्यू करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रोग्राम्स को रिव्यू करना क्योंकि जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं क्या उससे वो हमें हासिल हुआ जो हम हासिल करना चाहते थे क्या सही में कर्मचारियों का विकास हुआ हमारा एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तीन स्टेजेस हैं और हम बात कर रहे हैं स्टेज वन की जिसमें सबसे पहले कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात हो रही है प्रतिस्पर्धक लाभ की बात हो रही है संगठनात्मक रणनीतियों की बात हो रही है और संगठनात्मक उद्देश्यों की बात हो रही है ये तीन चीज़ें हैं जो मिलकर आपको बताती हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के आसपास के जो कार्य कार्य करने वाले आपके जो साथी हैं जो कंपटीशन आपके साथ कर रहे हैं वो किस तरीके से आगे जा रहे हैं और आपका क्या उद्देश्य है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना चाहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आप किस तरीके से उसकी प्लानिंग करते हैं तो प्रतिस्पर्धी माहौल का विश्लेषण संगठन में बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा स्थिति आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजिशन है तय करने में मदद करता है जिसके आधार पर संगठन को बदलाव या पुनस्थापित करने के लिए संगनात्मक रणनीति तैयार की जाती है और उसी के लिए फिर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में अपने आप को सस्टेन करेंगे और इसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे कार्यात्मक विभागीय और व्यक्तिगत स्तर पर आगे प्रसार के लिए वृद्धि दृष्टिकोण की विशिष्ट संगनात्मक उद्देश्यों में विभाजित किया गया है इसमें आपको क्या किया है मैक्रो व्यू को ब्रॉड डाउन किया है इनटू टू दी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो भी आप समस्याएं देख रहे हैं बाहरी चीजें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको आप फर्दर डिसमिनेट करते हैं अपने डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल लेवल पर स्टेज टू में हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस की क्योंकि यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे गैप्स को क्या कमियाँ हैं किसे हमें आगे ले जाना है और उस उद्देश्य को पूरा करना है कॉम्पिटेंसी मैपिंग के द्वारा और कॉम्पिटेंसी प्लानिंग के द्वारा तो योग्यता चरण में जो संगठन के सभी कर्मचारियों की दृष्टाओं को पकड़ने में मदद करता है जिसमें प्रबंधन की क्षमताएं भी शामिल होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या रिसोर्सेज uh, हैं कितनी कॉम्पिटेंसीज हैं और उनमें हम किस तरीके से बढ़ोतरी करें ताकि हम उसमें आगे जा सकें तो सेकेंड स्टेज में ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स और कॉम्पिटेंसी गैप को एनालाइज़ किया जाता है और इसी में तीसरे चरण में ये संगठनात्मक आवश्यकताओं व्यक्तिगत विकास और अधिकारियों के करियर योजना की पहचान और सत्यपान से संबंधित रखता है अब बात करते हैं स्टेज थ्री की ये जो आ, स्टेज थ्री है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनुअल ट्रेनिंग प्लान्स जो आपने प्लानिंग करी है आप जहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारी ट्रेनिंग असेसमेंट नीड है यहाँ यहाँ पर इस इस विषय पे हमें बात करनी है और हमें अपने संगठन को आगे ले जाने के लिए इस तरीके के ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्लान्स लाने होंगे तो आप एनुअल ट्रेनिंग प्लान्स बनाते हैं पूरी एक लिस्टिंग करते हैं प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से आपको ये इम्प्लीमेंट करने हैं उसके बाद इन प्लान्स को आप कंडक्ट कराते हैं कंडक्ट कराने का मतलब है कि आप इनको अपने संस्थान में लागू करेंगे समय समय पर जिस जिस समय पर आपने सोचा है प्लान किया है उस समय पर उसको कंडक्ट कराते हैं और आखिरकार जैसे मैंने बताया कि इनका आप फिर इवेल्यूशन करते हैं आप इसका रिव्यू करते हैं कि आपने जो भी प्रोग्राम कंडक्ट किया है वो कितना आपके उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है क्या एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हो पा रहा है और उस डेवलपमेंट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हमारी स्ट्रैटेजीज तो थी वो हम अटेन कर पा रहे हैं कि नहीं इसके आगे हम बात करते हैं प्रोसेस की एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के कई तरीके के प्रोसेस हैं पर आमून तौर पर हम इसी प्रक्रिया को लागू करते हैं विभिन्न संस्थानों में ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट किया जाता है तो यहाँ पर हम पाँच पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है सबसे पहले हम यह बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट नीड्स आपको ये देखना है कि आपके विकास आवश्यकताओं का विश्लेषण करना होगा जो डेवलपमेंट नीड्स हैं जहां पर आप विकास करना चाहते हैं उनका आपको विश्लेषण करना होगा आपको वो फाइंड आउट करना होगा विद द एनालिसिस वर्तमान की प्रबंधकीय प्रतिभा का मूल्यांकन अप्रेजल ऑफ द प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट आपकी संस्थान में जो प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट है उसका आप अप्रेजल करेंगे उसका आप फायदा पता लगाएंगे कि प्रेजेंट में आपके यहाँ पर कितना मैनेजीरियल टैलेंट है उसके हिसाब से आप व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे क्योंकि जब आपने ये जान लिया कि हर एक इंडिविजुअल के क्या स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनके पास कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं क्या उनका पोटेंशियल है तो उनके हिसाब से आप इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तैयार करते हैं फिर उन इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम की स्थापना करते हैं जिसके द्वारा आप उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टैब्लिश कराते हैं और फिर उसके बाद इनका डेवलपमेंट होता है जो तीन स्टेज की प्रक्रिया हमने पीछे पड़ी थी उसी को कई ऑर्गेनाइजेशन इन फाइव स्टेप्स में प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल प्रोसेस है सबसे पहले आपको नीड्स को असेस करना है उसके बाद अपने प्रेजेंट टैलेंट को स्टडी करना है उनके बीच में जो गैप है उसके हिसाब से आप इंडिविजुअल प्लान्स को डेवलप करेंगे उनका आप इस्टेब्लिशमेंट करेंगे और उनको कराने के बाद बहुत जरूरी है कि आप उसको इवेल्यूएट करें ताकि आपको उसकी इफेक्टिवनेस का मालूम चले इसके बाद हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जैसा कि हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनका इवेल्यूशन करना बहुत ही आवश्यक है बिना इवेल्यूशन के आपको फीडबैक नहीं मिलेगा और आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी कि, कि किस तरीके से विकास हो रहा है और सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा तो प्रक्रिया का मूल्यांकन निम्नलिखित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सबसे पहला इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो विकास और प्रशिक्षण का जो प्रक्रिया है उसमें गुणवत्ता में सुधार आए उसके प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आए अगर हमारे प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ट्रेनर इवेल्यूशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो ट्रेनर्स हैं जिनका हम ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी में और उनकी कॉम्पिटेंसीज़ में उनकी दृढ़ता और योग्यता में सुधार आना चाहिए उसमें विकास दिखना चाहिए तीसरा हम बात कर रहे हैं सिस्टम को अधिक प्रतिकारशीलिय और यादगार बनाने के लिए इसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन दी सिस्टम टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव एंड रियलिस्टिक आपको इसलिए मूल्यांकन करना है ताकि आप अपने सिस्टम को ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाएं ताकि लोग उसके प्रति कार्य करें गेसले ज़रूरी है ताकि आप अलाइन कर सकें ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से आप जिस भी तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है वो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान है उसका उद्देश्य पूरा करना है तो क्या इन दोनों में प्रॉपर लिंकेज है या नहीं है क्या ये दोनों प्रॉपर तरीके से अलाइंड है या नहीं है उसका हमें चेक करना होता है वैल्युएट करना होता है संगठनात्मक बजट में प्रशिक्षण की लागत निर्धर निर्तत् का निर्माण करना बिल्डिंग दी कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द ट्रेनिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशनल बजट जो भी आप इस पर खर्चा कर रहे हैं या जो भी आपका कॉस्ट इसमें इम्प्लीमेंट हो रही है उसको आप ऑर्गेनाइजेशन के बजट के अनुरूप अलाइन करेंगे इवेल्युएट करेंगे आर ओ आई आर ओ आई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू जस्टिफाई फर्दर इन्वेस्टमेंट जो भी आपने खर्चा किया है क्योंकि हम जानते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये एक्सरसाइजेज़ बहुत कॉस्टली अफेयर्स हैं ऐसा नहीं है कि हम संगठन में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनके ऊपर खर्चा नहीं होता और इसीलिए पहले हम इसको पर्सनल मैनेजमेंट में कॉस्ट के रूप से कहते भी थे क्योंकि कहीं ना कहीं इसको करने में बहुत ज़्यादा लागत लगती है बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कहना है कि अगर हम ये कॉस्ट नहीं इनकर करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में तो उनका अपडेशन कैसे होगा और उनका अपडेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगी लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय करना ये भी देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो भी इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे खर्चे किए जा रहे हैं क्या उनका बराबर रिटर्न मिल रहा है या नहीं कि हमारे एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट से या एम्प्लॉय के करियर uh, अपडेशन से हमारे संगठन में हमारे संस्थान में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं इसको जानकारी देना बड़ा जरूरी होता है इसीलिए हम इवेल्यूएशन करते हैं चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर टू मोर एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर दी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए यही बात अभी हम कर रहे थे कि करियर ये क्या है संगठन में लोगों का परसेप्शन उनका नजरिया चेंज करना है कि वो इसको लागत के तरीके से, तरीके से ना देखें उसको ये इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखें उसमें ये देखें कि ये हम खर्चा नहीं कर रहे हैं ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने असेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इसका हमें रिटर्न मिल सके तो वो हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलेगा अब बात करते हैं मैथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के क्या तरीके हैं कार्यकारी विकास को हम किस तरीके से कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जिसके द्वारा हम मैनेजरल स्किल्स और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर हमने ये जो चार्ट बनाया है इसमें थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट एरियाज़ हम इन्हांस कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ़ डिफरेंट मैथड्स आप जानते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे सकते हैं बट हर तरीका हर प्रकार की स्किल्स को कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने में पूरा नहीं करता तो कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं कुछ स्पेसिफिक मैथड्स हैं जिनके द्वारा आप अलग अलग तरीके के कॉम्पिटेंसीज लेवल को बढ़ा सकते हैं जैसे हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स की अगर आप चाहते हैं एग्जीक्यूटि एग्जीक्यूटिवस uh, की डिसीजन मेकिंग स्किल्स जिसपे वो uh, अपना एक, एक डिसीजन मेकिंग करते हैं अगर वो चीज़ उनकी भरी बढ़े तो उसके लिए हमें किस तरीके की एक्सरसाइज यूज़ करनी होगी हम बात कर सकते हैं इन बास्केट एक्सरसाइजेस की उनको बिजनेस गेम खिला सकते हैं केस स्टडीज करा सकते हैं बहुत सारे संगठन के इस तरीके की सिचुएशंस पूछ सकते हैं जिसमें उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ता हो या उन्हें अपनी राय देनी पड़ती हो कि किस तरह से वो आगे अब इस पर काम करेंगे तो इस तरह के की, मेथड की से हम एग्जीक्यूटिव्स के मैनेजरियल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं उन्हें बेहतर बना सकते हैं अगर हमें एग्ज़ीक्यूटिव की इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ानी हैं हम चाहते हैं कि वो आपस में लोगों के साथ एक बेहतर व्यवहार रखें उनका जो एटीट्यूड हो उनका जो बिहेवियर हो वो बेहतर हो तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है रोल प्लेइंग रोल प्लेइंग में आप क्या करते हैं अलग अलग तरीके से अपने आप को उस जगह पर रख कर देखने की कोशिश करते हैं और जब आप दूसरे को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब आपका नज़रिया अलग होता है जब आप उसकी जगह पर जाके खुद कार्य करते हैं तो आपका नज़रिया अलग होता है ऐसे ही सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आपके इमोशनल और बिहेवियरल आस्पेक्ट्स को बेटर बनाती है जिसमें आप लोगों को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं अगर आपको उनकी जॉब नॉलेज बढ़ानी है अगर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के जॉब नॉलेज में इन्हेंसमेंट करना है तो बेहतर होगा आप उन्हें ऑन दी जॉब एक्सरसाइजेज दें ताकि उनको कार्य करने में बेहतर हो उनको कोचिंग प्रोवाइड करें और अंडर स्टडी जैसे तकनीकों का आप इस्तेमाल करें अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज उनकी बढ़ानी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको जॉब रोटेशन पे भेजें अलग अलग तरीके की जॉब्स पर जब वो कार्य करेंगे तब उन्हें पता हो चलेगा कि किस तरीके के कार्य होते हैं और कैसे उनको किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट यूनिट्स में जाके वो कार्य करेंगे तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉलेज है वो बेहतर होगी मल्टीपल मैनेजमेंट्स उन्हें करने दें अलग अलग चीज़ों का प्रबंधन उन्हें करने दें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जानकारियाँ हासिल हों अगर आपको उनकी जनरल नॉलेज बढ़ानी है तो आप स्पेशल कोर्स कराइए उनको स्पेशल मीटिंग स्पेशल स्पेसिफिक रीडिंग्स आप उनको दीजिए करने के लिए ताकि उनकी जो जनरल नॉलेज है वो बढ़ सके और अगर आप उनकी स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स पे बात करना चाहते हैं तो आप उनको स्पेशल प्रोजेक्ट्स कमेटी या असाइनमेंट्स आप उनको दीजिए ताकि उनको कार्य करके उनकी जो स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल नीड्स हैं नॉलेज है उसमें आप उनकी बढ़ोतरी कर सकें तो ये कुछ अलग मैथड्स हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की स्किल्स को किस तरह की कॉम्पिटेंसीज को आप डेवलप करना चाहते हैं उसी के प्रति प्रक्यर के थ्रू आप उनके मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे ये कुछ स्टेजेस हैं मैनेजीरियल ट्रेनिंग की जिसको हमने यहाँ पर सात स्टेजेस में फर्दर डिस्कस किया है सबसे पहले आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन स्तर पे संगठन के स्तर पे प्लानिंग करनी है फिर तो उसके बाद प्रोग्राम्स को टारगेट करना है कि किस तरीके के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स आप करना चाहते हैं की पोजिशनिंग क्या होगी किस तरह से आपको आ, उनको एग्जीक्यूट करना है उनका अप्रेजल आप कब करेंगे क्या रिप्लेसमेंट्स की लिएबिलिटीज़ का आप यूज़ करेंगे इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा उसके द्वारा और फिर उसका फाद में आप मूल्यांकन करेंगे वैल्यूएशन करेंगे तो ये स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग से कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बाद स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को आप टारगेट करते हुए की पोजिशन को स्टडी करते हैं अप्रेजल देखते हैं लोगों का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसी है किस तरह की स्किल्स को और ज़्यादा हमें सिखाना है और उसके द्वारा आप इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करते हैं साथ ही इवेलुशन करते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करते समय या इन प्रोसेस को टेकअप करते समय बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारे आस्पेक्ट्स का ध्यान करें हमें ज़रूरी है इन फैक्टर्स पे फोकस करना और ये जो फैक्टर्स हैं वो हमें नीतिगत निर्णय लेने में मदद करते हैं हमारे पॉलिसी डिसीजंस क्या हैं किस तरीके से हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर हम उन डेवलपमेंट्स जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं उनको अगर हम एक्सेप्ट ना करें उनमें अगर हम पार्टिसिपेट ना करें तो ये काज होना बड़ा ही मुश्किल होगा एप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की सहायता करिए सपोर्ट कीजिए बिना एक दूसरे की मदद के एक दूसरे की सहायता से ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएंगे एक आचारशील वातावरण होना चाहिए कंड्यूसिव एटमोसफियर होना चाहिए जिसमें हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अगर हमें आसपास का वातावरण हमारा अच्छा नहीं है कंडक्टिव नहीं है तो इन तरीके के प्रोग्राम्स को लॉन्च करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होगा स्ट्रोंग अर्ज फॉर लर्निंग सीखने की भी आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए तीव्र इच्छा आपको कोई तभी सिखा सकता है जब आप सीखना चाहें तो ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं इनकी जो सक्सेस है इनका जो रेट है वो हायर तब होगा जब जो मैनेजर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव हैं वो सीखना चाहें पार्टिसिपेशन अगर आप इस तरीके के प्रोग्राम में भाग ही नहीं लेंगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी और ये सारी जो भी प्रक्रिया की जा रही है ये बेकार हो जाएगी ताकत और कमज़ोरी को पहचाने बहुत ज़रूरी है अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेसेस को आप आइडेंटिटिफाई करें और इसी के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट्स बहुत हद तक स्वाट एनालिसिस कराई जाती है जिसमें आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस अपने अपॉर्चुनिटीज को अपने थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं ताकि आप अपने आप को समझ सकें और आगे कैसे आपको बढ़ना है उस पर आप कार्य कर सकें इन्वॉलमेंट बहुत ज़रूरी है मोर और लेस पार्टिसिपेशन और इन्वॉलमेंट सिमिलर पॉइंट्स हैं जिसमें आप आ, लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं इन्वॉल्व होते हैं ताकि आप उसकी पूर्णता चीज़ों को समझ पाएँ और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर आप फोकस करते हैं तो जब आप एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं आप विभिन्न प्रकार से उसको अपने संगठन में लाने की कोशिश करते हैं ज़रूरी होता है कि हम इन संगठन में इसको लाने के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दें ताकि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो सक्सेसफुल रहे और लोग उसमें कार्य अच्छे तरीके से कर पाए आगे बात करते हैं कार्यकारी विकास की तकनीकें क्या टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने एग्जीक्यूटिव का डेवलपमेंट कर सकें तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके की तकनीकी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब ऑन दी जॉब जिसको हम नौकरी की आ, तकनीकी पर रहकर ही सीखते हैं ऑफ दी जॉब जो हम जॉब से हट के जब हमको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है तो उसको हम ऑफ दी जॉब कहते हैं दोनों के ही अपने फायदे हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मैथड्स हमें बेनिफिट इसलिए देते हैं क्योंकि हम अपने कार्य को करते करते ही वहाँ सीखते हैं जबकि ऑफ दी जॉब कहता है क्योंकि हम कार्य से हट के उस कार्य को सीख रहे हैं तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और ज़्यादा एकत्रित होकर उस ट्रेनिंग को हम गेन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग टेक्निक्स की जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कोचिंग कोचिंग को हम कहते हैं सीखना इसमें दो लोग होते हैं एक कोच होता है और एक जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कोचिंग प्रशिक्षणों और पर्यवेक्षणों के बीच एक से एक संबंध है जो श्रमिकों को निरंतर मार्गदर्शन और फीडबैक प्रदान करता है कि वो अपने कार्य को कितने अच्छी तरह से संभाल रहे हैं कोचिंग एक ऐसा मेथड है एक ऐसा वन टू वन रिलेशनशिप है एक ट्रेनिंग और ट्रेनर के बीच में जिसमें आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात करके उसके कार्य में आप उसको इंडिविजुअल रूप में फ़ीडबैक प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सके जिसमें आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप उसको गाइड कर रहे हैं आप उसको हेल्प कर रहे हैं आप उसको फीडबैक दे रहे हैं ताकि वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सके कोच क्या करता है असाइन करता है टास्क को मॉनिटर करता है ट्रेनी को उसके बिहेवियर को और प्रोवाइड करता है री और फीडबैक उसको मदद करता है कि कैसे वो अपने कार्य को पूर्णता तरीके से करे बार बार करे अगर कोई कमी है कोई गलती है तो उसको मदद करेगा आगे लाने में ये बहुत अच्छा तरीका है कोचिंग जिसमें आप एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं और ये ज़्यादातर जो प्रक्रिया है जो ऑन दी जॉब मेथड है ये हम हायर लेवल्स पे ही यूज़ करते हैं जिसमें आप कन्वीनियंस के बेसिस पे जो आपकी ट्रेनिंग है ट्रेनर के कन्वीनियंस के बेस पे ये किया जा सकता है इसको आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं ई से भी कर सकते हैं चैट के द्वारा भी कर सकते हैं आमने सामने बैठ भी कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको अपने ट्रेनी को रेगुलर फीडबैक्स उसको गाइडेंस उसको सपोर्ट देना होता है जिसके द्वारा वो चीज़ों को जानते हैं समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कोचिंग में आपके जो कॉमनली यूज ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिज फ्रॉम अनस्किल्ड टू मैनेजीरियल पोजिशन आप सारे ही लेवल पे इसको यूज़ करते हैं बट अमूमन तौर पे इसको हम मैनेजीरियल पोजिशन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ वन टू वन ट्रेनिंग बेहतर तरीके से की जा सकती है एंड दिस मेथड इज क्रिटिकली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ अ कोच ये बिल्कुल सही बात है कि इस मेथड की जो सक्सेस uh, है वो डिपेंड करेगा कि जो कोच है वो कैसा है किस प्रकार से आपको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है किस बारीकी के साथ वो आपको देख रहा है आपकी गलतियों को समझ रहा है और आपको पुनः सिखाने की कोशिश कर रहा है तो जितना बेहतर आपका कोच होगा उतना ही बेहतर आपकी ये ट्रेनिंग होगी सक्सेस ऑफ दिस मैथड बेस्ड ऑन दी कोच इसके बाद जो हमारा मैथड है उसको हम नाम देते हैं अध्ययन अंडर स्टडी जिसको हम बोल रहे हैं अंडर स्टडी एक छात्र किसी का सहायक या कुछ पर्यावेशी या कार्यकारी पदों पर विश्लेषण सहायक हो सकता है वे अनुभव अवलोकन मार्गदर्शन और कोचिंग से सीखता है किसी के अंडर रहकर जब आप सीखते हैं तो उसको हम अंडर स्टडी कहते हैं अंडर स्टडी मे बी दी असिस्टेंट टू समवन और स्पेशल असिस्टेंट टू सम सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव पोजीशन ही लर्नस बाय एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन गाइडेंस एंड कोचिंग ये जो तरीका है वो कोचिंग से तरीके से अलग है कोचिंग में आप वन टू वन इंट्रैक्शन कर रहे हैं और आपको हर बार हर तरीके से आपका कोच आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करता है लेकिन ये जो तरीका है ये आप किसी के अंडर कार्य करते करते अपने आप अपनी एक्सपीरियंस के द्वारा देख देख कर सीखते चले जाते हैं जैसे कि बहुत सारे संगठनों में जो कार्य कार्य है वो कैसे सीख लेते हैं लोग उनके साथ काम करते करते ही जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं उनसे गाइडेंस मिलती है उनसे कोचिंग मिलती है अगर हम बात करें फैमिली बिजनेस की तो फैमिली बिज़नेस इसी तरीके से आगे बढ़ता है कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को अपने साथ रख के अपने यहाँ पर दिखा के कि किस तरीके से कार्य होता है कार्य करते करते जो वो सीखते हैं साथ में रह के उस तरीके की तकनीक को हम बात करते हैं अंडर स्टडी में इसके बाद बात आता है पोजीशन रोटेशन पोजीशन रोटेशन को हम जॉब रोटेशन का भी नाम देते हैं स्थिति जो हम चेंज करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर इसमें क्या करना है इन्वॉल्व दी मूवमेंट ऑफ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू दी अनदर ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है इसमें आप किसी भी इंडिविजुअल की जो डाइवर्सिफाइड एरिया में आप उसकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे रोटेट कर रहे हैं अलग अलग जगह पर उसको कार्य करने के लिए भेज रहे हैं इससे उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हाउ दी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस वो उसमें बढ़ोतरी होती है और उसको जानकारी मिलती है कि कैसे वो उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे बात कर रहे हैं अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर्स की तो एक बहुत ही बेहतर तकनीक है जिसके द्वारा आप उनको हर कार्य में बेहतर बना सकते हैं आगे ला सकते हैं इससे आपका एक तो बोडम कम होता है रोटेशन से क्योंकि आप एक तरीके का कार्य जब लंबे समय तक करते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है आपको आपका मन उखड़ने लगता है तो जॉब रोटेशन आपको एक तरीके से उस उस बोडम से बाहर निकालता है क्योंकि इसमें आप हर समय हर चीज़ के लिए नई नई चीज़ें आपको करने को मिल रही है नए नए लोग आपको मिलते हैं बिल्ड आप रेपर्ड बिल्ड कर सकते हैं लोगों से अपने वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं फैसिलिटेट करते हैं फ्यूचर कोऑपरेशन अमंग्स दी वेरियस डिपार्टमेंट क्योंकि आप विभिन्न विभिन्न विभागों में जाके कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आप एक दूसरे से बेहतर रिलेशनशिप और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे ले जाना है इसके बारे में भी आप फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं पोजिशन रोटेशन एक अच्छा क्रॉस ट्रेन पर्सनल ऑफर है जो ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन देता है इसके द्वारा आपके ट्रांसफर प्रमोशन और रिप्लेसमेंट जो है वो भी आपके आसान बन जाते हैं इसमें भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है क्योंकि वो जो कार्य है वो आपको अलग अलग तरीके से लोगों को करने में मदद करता है तो आपका जो पर्सन है जो कैंडिडेट है जो एम्प्लॉई है या जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग तरीके कार्य जब करता है तो उसको बेहतर हम ट्रांसफ़र प्रमोशन और रिप्लेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आता है बाद में आपका मल्टीपल मैनेजमेंट जो ऑन दी जॉब पोजिशन है इसमें आप ऑन दी जॉब टेक्निक्स में आपका मल्टीपल मैनेजमेंट भी आता है जिसको एकाधिक प्रबंधन हम कहते हैं आप यहाँ पर अपने एग्जीक्यूटिव को मल्टीपल चीजों को एक साथ मैनेज करने के लिए देते हैं मल्टी टास्क हम उन्हें बनाते हैं ये भी उनके अंदर लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को एनहैंस करता है ये क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के मिडल लेवल और जूनियर लेवल मैनेजर्स के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी देता है हेयर दी मैम्बर्स आर एक्सपोज टू ऑल टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग टेकन एट हायर लेवल जो उच्च स्तर पे उनको डिसीजन मेकिंग करनी है उसके लायक इन्हें बनाता है ताकि वो अपने सभी जूनियर और जो उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में वो जान सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें तो ये कुछ आपकी ऑन दी जॉब तकनीकें थी जिसके द्वारा आप अपने एम्प्लॉज को और ज़्यादा बेहतर और डेवलप कर सकते हैं जिसमें हमने बात करी कोचिंग की अंडर स्टडी की जॉब रोटेशन की और मल्टीपल मैनेजमेंट की अब हम बात करेंगे ऑफ़ दी जॉब तकनीकों की ऑफ़ दी जॉब तकनीक जैसा मैंने बताया कार्य से हटकर जब आप उनको सिखाते हैं तो उन तकनीकों को हम ऑफ दी जॉब तकनीकियाँ कहते हैं इसमें सबसे पहला और सबसे पुराना जो मेथड है उसको हम नाम देते हैं लेक्चर्स का व्याख्यान का हम इसको नाम देते हैं ये एक बहुत ही पुराना और डायरेक्ट मेथड है इंस्ट्रक्शंस का जिसके द्वारा आप अपने इंस्ट्रक्टर्स को एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनको बताते हैं एक 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 भाषण देते हैं उसके द्वारा आप लोगों को सिखाते हैं जानकारी देते हैं कि किस तरीके से वो अपने कार्य को बेहतर कर सकते हैं इसके अलावा टू बी इफेक्टिव दी लेक्चर मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग दी ट्रेनी लेक्चर आपका तभी प्रभावशाली होगा जब आप अपने कैंडिडेट्स को अपने ट्रेनीज को मोटिवेट कर सकें उनके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा कर सकें ताकि वो आपके लेक्चर को बढ़िया तरीके से सुने और उस कार्य को पूरा कर सकें ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड है जो यूज़ होता है लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग को इसके फायदे ये हैं कि आप एक साथ इसके द्वारा कई सारे लोगों को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस मैथड इज दैट इज डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर अ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एफिशियटली कई बार ये जो तरीका है इसमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है क्योंकि ये वन टू वन मेथड नहीं है और हमें ये भी पता चल पाना बड़ा मुश्किल होता है कि, कि किस पर्सन ने कितनी लर्निंग ली क्योंकि जो भी लोग आपके लेक्चर्स ले रहे हैं हर हर किसी के जो परसेंटेज ऑफ लर्निंग होगा वो सिमिलर नहीं हो सकता तो इसमें कई बार आप इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है इसके अलावा आपके केस स्टडीज़ आते हैं मामलों का अध्ययन करना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है मैनेजमेंट कॉलेज में स्कूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें आप क्या करते हैं रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिज़नेस प्रॉब्लम्स को आप लोगों को देते हैं जो भी समस्याएं हैं बिजनेस से रिलेटेड उन प्रॉब्लम्स को आप उनको देते हैं ताकि वो उनको पढ़ें उन पर विचार कर सकें और अपनी धारणाएं बना सकें कि किस तरीके से ऐसी समस्याओं का आप समाधान करते हैं अगर आप उस जगह पर होते तो इसको किस तरीके से आप डील करते हैं सो द ऑब्जेक्ट ऑफ केस मैथड इज टू टीच दी ट्रेनिंग हाउ टू एनालाइज दी इंफॉर्मेशन जनरेट ऑल्टरनेटिव डिसीजन एंड इवेलुएट दी तो आप इसके अलग अलग तरीके ढूंढते कार्य करने के और उस कार्य करने के जो तरीके हैं उसको आप इवेलुएट करते कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करते प्लान करते तो उसमें आपको कितना सक्सेस मिल पाता केस स्टडीज़ कैन बी एनालाइज बाय इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप्स इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है आप अकेले भी केस स्टडी कर सकते हैं या फिर आप कुछ लोगों के समूह में मिलकर भी आप केस स्टडी कर सकते हैं फीडबैक एंड री आपको प्रोवाइड किया जाता है थ्रू दी ओरल डिस्कशन एंड रिटर्न कमेंट्स फ्रॉम दी इंस्ट्रक्टर जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको फीडबैक देंगे वो रिटर्न आपको बताएंगे कि आपके द्वारा दिए गए जो हल हैं इन केस स्टडीज़ के वो कितने बेहतर हैं या उन पर और किस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं इसमें एक और तरीका है जिसको कि हम ग्रुप डिस्कशन का नाम देते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है समूही चर्चाएं सामूहिक चर्चाएं जिसमें आप मिलके किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं ब्रेन करते हैं और जब हम मिलकर किसी विषय पे बात करते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि उसके नए नए विचार हमें कुछ कुछ नए नए आइडियाज हम जनरेट कर पाएँ जिसपे हम मिल के साथ कार्य कर सकें तो यह विधि प्रशिक्षणों और अपेक्षकर्ता छोटे समूह के साथ आयोजित किसी विविष्ट विषय पर सीधी चर्चा करने से है इसमें आप डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप्स में और यह विधि शिक्षण और कथित वैचार, कठिन वैचारिक सामग्रियों की खोज और दृष्टिकोण और राय बदलने के लिए उपयोगी होता है कई बार ये मेथड बहुत ज़रूरी है क्या फाइंड आउट करें कि आपके टीचिंग और एक्सप्लोरिंग डिफिकल्टीज क्या हैं कंसेप्चुअल मटेरियल्स और चेंजिंग एटीट्यूड्स और ओपिनियंस को जानने में ये आपको मदद करेगा ग्रुप डिस्कशन आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है फीडबैक की री की मोटिवेशन की ट्रांसफ़र की लार्जली ड्यू टू द एक्टिव इंटरचेंजेस ऑफ आइडिया बिटवीन दी पार्टिसिपेशन जब आप एक दूसरे से जब बदलाव करते हैं इन्फॉर्मेशन का एक दूसरे के साथ जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके जो नॉलेज है आपका जो मोटिवेशन है उसमें आपके बदलाव आता है इसके अलावा रोल प्लेइंग आप कर सकते हैं रोल प्लेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है भूमिका निभाना ऑफ दी जॉब किया जाता है आप अपने आप को दूसरे के रोल में इमेजिन करते हैं अगर आप उस जगह पर होते अगर आपको ये समस्या होती तो आप किस प्रकार इससे डील करते इस प्रकार इसका समाधान आप निकालते तो अधिकांश भूमिका निभाने वाले कार्य में प्रत्येक छात्र मानव जीवन पर किसी मुद्दे से प्रभावित व्यक्ति की भूमिका निभाता है और उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से हमारे चारों ओर की मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करता है तो जनरली हम रोल प्ले उन लोगों का करते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं और उसी के दृष्टिकोण से फिर हम आगे बात करते हैं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो एक नज़रिया है वो उसी तरीके से हो जाता है उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार का हम रोल प्ले करते हैं और हमको उस पोजीशन के हिसाब से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है इसके अलावा आप उनके साथ मैनेजमेंट गेम्स कर सकते हैं मैनेजमेंट गेम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेल खेल के खेल खेल के साथ आप लोगों को तैयार करते हैं बिजनेस आस्पेक्ट्स पे बिजनेस डिस्कशंस पे उनको तैयार करते हैं सो वेराइटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट गेम्स है डिवाइज एन आर बींग यूज विद दी वैरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस इन दी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और प्रबंधन खेल तैयार किए गए हैं और विकासशील कार्यक्रमों में सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ उनका उपयोग किया जाता है प्रबंधन खेल कक्षा अभ्यास है जिसमें प्रशिक्षणों की कई टीम कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती है इसमें आप क्या करते हैं टीम्स को डिवाइड करते हैं और लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं जो वो आपस में एक दूसरे से जीतने के लिए उन गेम्स को करते हैं और उसके द्वारा उनकी बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग होती है आपस में वो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं इस इन मैनेजमेंट गेम्स के द्वारा इसके बाद आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आती है जिसको हम संवेदता शील प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं पिछले तीस वर्षों में व्यवहार वैज्ञानिकों द्वारा इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है परिस्थितियों और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनाशीलता माने मानवनीय रिश्तों की आधारशीलता है ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के प्रति एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करें हमारा जो नज़रिया होना चाहिए वो बहुत ऐसा होना चाहिए कि हम ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करें तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं बिहेवियल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये रिसर्च किया है फ्रॉम दी पास्ट थर्टी ईयर्स और वो ये कहते हैं कि ये जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है ये बहुत हद तक हमें मदद करती है लोगों की फीलिंग्स को समझने में उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने में और जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हैं जब आप एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है आप टॉप मैनेजरल पोजिशन पर रहकर अपने अंडर कर रहे कार्यक्रम लोगों के साथ एक ऐसा व्यवहार रखें जो संवेदनाशील हो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संवेदनशीलता केवल एक भावना नहीं है इसे कार्यों में भी खुद को अभिव्यक्त करना चाहिए खासकर जब जिन लोगों को हम जानते हैं वे दर्द और कठिनाई का सामना कर रहे हों ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं जब हम लोगों की बात करते हैं तो केवल ऐसा नहीं कि हम एक अच्छी सोच रखें बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व में दिखना भी चाहिए हमारे साथ कार्य कर रहे लोगों की अगर कोई कठिनाई है कोई परेशानी अगर किसी को कोई दर्द है कोई दिक्कत है तो उसकी समस्याओं को हम समझें और उसके साथ रह हम उनके साथ आगे बढ़ें अब हम बात करते हैं करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की अभी तक हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की जिसमें हमने बात की कि, कि किस प्रकार से हम संगठन में अपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे अपने मैनेजरियल लेवल पे अपने लोगों का कर्मचारियों का हम विकास करें उनका प्रशिक्षण करें ताकि वो आने वाले जो भी जॉब्स हैं फ्यूचर रिलेटेड जितने भी उनके कार्य हैं उनको वो बेहतर तरीके से निभा पाएँ करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट क्या है ये इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से है करियर विकास एक संगठित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग कार्यबल विकास पहल के समर्थन में एजेंसी की व्यवसायिक आवश्यकताओं के साथ कर्मचारी लक्ष्यों को मिलाने के लिए किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग हैं लोग हैं जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने गोल्स को मीट आउट कर सकें विद दी वर्क डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकिंग प्लेस इन दी इकोनॉमी विद दी हेल्प ऑफ एजेंसीज इसमें हम बात करते हैं करियर डेवलपमेंट की जो इन्हांस करता है एम्प्लॉय की करंट जॉब परफॉर्मेंस को और उनको तैयार करता है उनके फ्यूचर के कार्य के लिए इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये मदद करता है लोगों को जो फ्यूचर में आने वाली जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ये बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें क्योंकि यहाँ पर इनको अपने करियर के बारे में डेवलपमेंट की बात हो रही है और ये फुलफिल करता है एजेंसीज के गोल्स को फॉर डायनेमिक एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स जब आप करियर प्लानिंग करते हैं अपने बारे में अपनी फ्यूचर की चिंता करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना विकास कर रहे हैं और ऐसी एक वर्कफोर्स तैयार हो रही है जो डायनेमिक है जो ज्यादा इफेक्टिव है जो मदद करेगी आपके और इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स दोनों को अचीव करने में करियर मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है करियर मैनेजमेंट का उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों का विकास करना इसका एक उद्देश्य है जिसमें आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं अ जनरल मीन्स टू एसकॉम्प्लिश दीज सिलेक्टेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके जो स्पेसिफिक गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप एक रणनीति तैयार करते हैं और उस रणनीति को लागू करने के लिए विशेष संसाधनों को की तैयारी करते हैं जैसे नीतियाँ होनी चाहिए नियमों प्रक्रियाओं और गतिविधियाँ जब आप अपना कोई एक प्लान बना लेते हैं आप एक गोल बनाते हैं कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है या फ्यूचर में ये हासिल करना है तो उसके लिए आपको ये देखना होगा किस तरीके की, की पॉलिसीज़ रूल्स रेगुलेशंस की प्रोसीजर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आप एक इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी को और फिर आप सिस्टमेटिक एवेलुएशन करते हैं अपनी प्रोग्रेस का कि आपने वो अचीव किया कि नहीं या नहीं हो पा रहा है तो किस तरीके से आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी तो पूरा करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की किसी भी करियर विकास कार्यक्रम का एक मुख्य एक प्रमुख उद्देश्य प्रतिभागियों के लिए आत्म जागरूकता की भर्ती भावना है कर्मचारियों को अपने कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए कर्मियों को समझना कर्मियों का यह सीखना भी उपयोगी है कि सुधार पर प्रयासों पर ध्यान कहाँ केंद्रित करना है ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक अवेयरनेस डेवलप करें सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में जानना आपकी क्या क्षमताएं हैं आपकी क्या कमजोरियां हैं अगर आप स्वयं को पहचान पाएंगे आप स्वयं की चीज़ों को निकाल पाएंगे तो आप बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे बाई एग्जामिन दी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग एन होनेसट असेसमेंट एक एक ऑनेस्ट असेसमेंट अपने बारे में करिए अपने स्किल्स के बारे में अपने करियर्स के बारे में करियर डेवलपमेंट के बारे में ताकि आपको एक रियलिस्टिक पोजीशन पता चले और फ्यूचर में आप उसी आ, के हिसाब से कार्य कर सकें फ्लैक्सिबिलिटी लाइए अपने अंदर करियर डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब आप इन्हेंस करते हैं फ्लैक्सिबिलिटी एज अ गोल एम्प्लॉय वर्क इन चेंजिंग वर्ल्ड एंड अडेप्टन इन इज एन असेंसेशन स्किल बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव आप अपने अंदर तभी ला पाएंगे जब आप अपने आप को फ्लैक्सिबल रखेंगे आप अपने आप को उसके प्रति जो है वो लचीलापन अपने अंदर ला के रखेंगे ताकि आप जो हो रहे बदलाव हैं अगर आप कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बना देते हैं जिसमें रिजिड हो जाते हैं और आप उसी के तहत काम करते रहते हैं तो बड़ा ही मुश्किल होगा आगे जाके आप कोप अप कर पाए उन चेंजिंग एनवायरमेंट से तो इम्प्लाईज अपने आप को फ्लैक्सीबल बनाते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से अपने स्किल्स को बेहतर बना सकें और अपनी उस अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा कर सकें इसके बाद शिक्षा की बात आती है बहुत ज़रूरी है करियर डेवलपमेंट में आप शिक्षा पे महत्व दें अपने करियर डेवलपमेंट में प्रोग्राम्स अटेंड टू गिव एम्प्लॉज़ परसपेक्टिव एम्प्लॉयज़ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शन फॉर स्किल ट्रेनिंग आप पता करते रहें कि किस तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपनी नॉलेज को अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर और डेवलप कर सकते हैं फ़ॉलो अप करिए ऐसे एम्प्लॉइज़ के साथ जिनको मालूम हो कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे आपकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं और लास्ट में आता है सेंसिटिविटी टू डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें एक ही क्षेत्र में अपने आप को ना बढ़ाते हुए हम कोशिश करें कि हम अपनी जैसे कि आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं कार्य करते हैं तो हमें डाइवर्सिटी के प्रति बहुत ज़्यादा अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाना होगा वर्क हैबिट्स को व्यू पॉइंट्स को हमें बेहतर करना होगा ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आप अप अपने एनवायरमेंट को अपनी अंडरस्टैंडिंग uh, को और बेहतर बना सकें इसके साथ ही हमारा करियर मैनेजमेंट प्रोसेस है जो सेल्फ असेसमेंट से शुरू होता है अपने बारे में फिर आप एक रियलिटी चेक करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं उसके हिसाब से आप गोल सेट करते हैं अपना और उसके आधार पर आप एक्शन प्लान करते हैं तो आपका जो करियर डेवलपमेंट प्रोसेस है या करियर मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इस प्रकार से है जो आपके स्वयं से शुरू होगा अपने बारे में जानकारी रखना उसको समझना पूरा रियलिटी चेक के ऑनेस्ट तरीके से आप उसका इवेल्यूएशन करें उसके हिसाब से आप अपने गोल बनाएं और उसके निर्धारित अपने एक्शंस को आप प्लान करें इसी के साथ ये व्याख्यान ख़त्म होता है और इस व्याख्यान के लिए गए सोर्सेज जो हैं वो इस प्रकार से हैं ये स्लाइड नंबर वन है जिसमें कुछ सोर्सेज लिखे हैं और ये स्लाइड नंबर टू है जिसमें हमने इन सोर्सेज को लिखा है जहाँ से हमने इस व्याख्यान के कंटेंट को लिया है थैंक यू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका